हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफ एंड टू सेशन द न्यू रिक्रूटमेंट दैट इज डी बाय द डीआरडीओ सो हम सभी के लिए एक अगर बात करते हैं जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर में तीन ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ऐसे जनरली जो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट देते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है बार दिन हमारे पास में आता है डी ओ दिन हमारे पास में आता है इसरो ठीक है इस ना बी सी पीसी भी, भी निकाली थी हमारे पास पोस्ट साइंटिस्ट भी की पोस्ट आई थी बट हमारे जो एक्चुअली में जो साइंटिस्ट की पोस्ट हमारे डिजर्व करती हैं वो हमारे पास वो तीन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं दट इज डी आर इसरो और बार्क जो कि साइंटिस्ट की पोस्ट देते हैं ठीक है ना तो ये वही डी जिसके अंदर रिक्रूटमेंट्स आप सभी के लिए निकले हैं ठीक है तो इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है वह रिक्रूटमेंट आपके बहुत पहले आ चुके थे ठीक है ना लेकिन मैंने पहले सोचा दूँ या ना दूँ लेकिन मेरे को लगा कि किसी भी अगर स्टूडेंट का अगर आपका बेनिफिट हो जाता है तो आप सभी के लिए जो है ना रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तो डीआरडी के अंदर में जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या है ठीक है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी इसके साथ साथ में कैसे सिलेक्शन होगा गेट है या नॉन गेट है एंड इसके अलावा किस ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है पोस्ट बहुत ही बंपर है ठीक है ना बहुत ही बंपर पोस्ट आपके लिए निकली है ठीक है टाइटल में आपको सभी को दिख भी रहा होगा चलिए जी तो वेलकम बैठ आप सभी का आपके सेशन के अंदर जहां हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आपका रिलीज हो चुका है ठीक है रिलीज हुए काफी टाइम भी हो चुका है ठीक है तो आपको वेबसाइट पर दिख रहा होगा ये हमारे पुराने रिक्रूटमेंट जो आपके चल रहे थे गेट स्कोर के बेसिस पर इनसे आप ऑलरेडी वाकिफ है सो स्टेटस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए बाकी ब्रांचेस के लिए ऑलरेडी यहाँ पर रिलीज हो चुका है आपका जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो डेट था ना वो भी फिर से एक्सटेंड कर दिया है उसने ठीक है ना अट्ठाईस फरवरी तक रखा गया था लेकिन अभी उसको एक्सटेंड कर दिया है उसने ठीक है तो तो ये तो हमारा पुराना है पूरा कवरे चल रहा है हमारे पास में गेट बेसिस पर ये उसकी बात है नया रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइमेंट नंबर हमारे पास जी टी आर एचआर सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के लिए गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई ये फुल फॉर्म हमारे पास जो है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के अंदर हमारे पास में क्या है अपलीकेशन आपके जो इन्वाइड किए जा रहे हैं दैट इज फॉर द ग्रेजुएट्स दैट आर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हैं जो ग्रेजुएट्स नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हैं एंड बी कॉम बी एस सी बी ए बी ए बी बे सारे नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं डिप्लोमा आइडिया है आपके लिए किसके लिए है हमारे पास में क्या पोस्ट है तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे व्यू एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो आप यहाँ पर जा सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्प्लीकेशन भी फिलअप कर सकते हैं आप जैसे ही यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो है ना आपके पास जो नोटिफिकेशन है ये ओपन होकर के आता है तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन के लिए लेके चलता हूँ ठीक है चलो तो सभी को होपफुली नोटिफिकेशन क्लियरली दिख रहा होगा आप सभी को दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हुआ था ऑफ को रिलीज हुआ था ठीक है ना कब ट्वेंटी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था ऑलरेडी ठीक है तो इसके लिए जो है ना आपको आर की वेबसाइट पर जाकर ही आपको क्या करना होगा रजिस्टर करना होगा फॉर्म फिलअप करना होगा अब ये क्या पोस्ट है कितनी नंबर पोस्ट है कौन कौन सी ब्रांच एलेजिबल है अब जरा उनकी बात कर लेते हैं तो ये जो बच्चा आपका है ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका जो है ना दैट इज जनरली द अप्रेंटिसिप लिए है ये है, आपका जी टी आर बैंगलोर जो हमारे पास डिवीजन है डीआरडीओ का उसके अंदर में है यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग के लिए बीकॉम बीएससी बीए बीसीए बीबीए डिप्लोमा और आई टी के लिए है हमारे पास में ठीक है ना फाइनेंशियल दो हजार और चौबीस के लिए अब पहले बात कर रहे थे ग्रेजुएट अप्रेंटरशिप के लिए बिकॉज जितने भी हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है ना तो ग्रेजुएट अपरेंटरशि ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर बी बी टेक और इक्वलेंट तो जो डिग्री होल्डर्स है जो इंजीनियरिंग जिनके पास में डिग्री है ना वो लोग यहाँ पर देखेंगे पहला हमारे पास जो तो आपको देख रहा है डिसप्लिन वो है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख रहे होंगे थर्टी नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास एज जो बोला गया है मिनिमम एज एटीन ईयर है मैक्सिमम एज जो हमारे पास है कैटेगरी ट्वेंटी सेवन है ओबीसी बी सी थर्टी है एस सी एस थर्टी टू है

है. Electronics and, electronics and पोस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकॉम के अंदर में नंबर आप पोस्ट हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग एक्न के लिए एक पोस्ट है टोटल सेवेंटी फाइव पोस्ट हैं आपके अप्रेंटिसिप के लिए सबसे ज्यादा आपको जो पोस्ट दिख रही है वो मैकेनिकल के लिए प्रोडक्शन के लिए थर्टी नंबर ठीक है ना तो सेवेंटी फाइव नंबर आपके लिए निकली है केस ऑफ द अप्रेंटिससिप ठीक है ना अब ये क्या होता है बाई चांस बहुत से लोग को नहीं भी पता होगा ठीक है तो वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ एक्चुअली क्या होता है दूसरा आपके पास में है जो भी आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसिप जो नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं अगर बाई चांस कोई अगर आपका कली गैसा तो उसको आप ये दे सकते हैं ठीक है ना बी कॉम होना चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर से

डिसिप्लिन से अपलाई है फिर आते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसिप के लिए तो डिप्लोमा के अंदर मैकेनिकल मैकेनिकल के दस पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेवन पोस्ट हैं कम्यूटर साइंसआई टी के लिए तीन पोस्ट हैं ठीक है थेके? तो ये आपकी हैं डिप्लोमा बेसिस पर टोटल ट्वेंटी नंबर आप पोस्ट हैं फिर इसका जितने भी आई ठीक है जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है अप्रेंटिसिप के अंदर में उसके अंदर में टोटल हमारे पास मैकेनिक फिटर टर्नर उनकी ये पोस्ट हमारे पास में जो भी आई टी आई परसन है उनका अगर बाई चांस कोई भी टच में है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं मेन चीज ये है कि जो अप्रेंटिसिप एक्ट आपका होता है ये ग्रेजुएट होने के बाद आपको जनरली जितनी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो जनरली आपको वन ईयर का एक अपेंटिस प्रोग्राम आपको ऑफर करती हैं जहाँ से आप जो है ना उनकी बॉडी में जाकर के काम कर सकते हैं और उसके लिए वो आपको पेमेंट भी करती हैं तो ये वन ईयर का पूरा का पूरा ड्यूरेशन के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसका एक्सपीरियंस आप सभी के लिए इन फ्यूचर बहुत ही काम आता है किसी भी आप रिडियो के रिक्रूटमेंट अगर इन फ्यूचर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको काम आता है या फिर किसी भी आप रिक्रूटमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ही हेल्पफुल होता है ठीक है ना ये अपेंटिस जो भी आप करते हैं तो इसका करने का सिंपल तरीका ये है कि जो लोग भी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए तो आपको पहला काम ये करना होगा आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी जितने एमएचआर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं बिकॉज हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ही बात कर रहे हैं तो आपको पहले वेबसाइट ओपन करनी होगी एमएचआर डॉट जीओवी डॉट इन ठीक है ना मैं आपको दिखा देता हूं एम एच आर डी ठीक है ना ठीक है होगी लॉग इन नेशनल अप्रेंटिस क्लिक करेंगे तो ये लॉग का ऑप्शन उनके लिए आता जो है जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर हैं तो आपको जाकर यहाँ पर रजिस्टर हियर में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ठीक है ना तो ये जो आप जो भी हैं तो आपको स्टूडेंट हैं जाकर के आपको यहाँ पर प्रॉपरली अपना इन्डोलमेंट करना होगा इंडोलमेंट करने के बाद जो है ना आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर की नीड आप जब यहां पर अप्लाई करने जाएंगे आप जब यहां पर अप्लाई करने जाएंगे अप्लाई अप ना तो नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जब अप्लाई करने जाएंगे आप ठीक है ना तो यहां पर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी आप रजिस्ट्रेशन जब करने जाएंगे तो आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे वहां पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल अप करना होगा डीआरडीओ की वेबसाइट पर ठीक है ना तो पहला काम आपको यहाँ पर जाना होगा आप यहाँ पर जा करके पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इनॉलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा देन उसको जो है ना आप क्या करेंगे यहां पर इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना ये जरूर करना पड़ेगा आपको तो ये आपके लिए पहला प्राइमरी स्टेप होता है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा ठीक है जो भी आई टी आई वाले हैं लिए वेबसाइट दूसरी होती है और इसके बाद जो है ना प्रॉपरली अब जहाँ पर कौन कौन से ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी दो हजार बीस इक्कीस और बाईस के पास आउट हैं ठीक है ना तेईस सालों की गिनती यहाँ पर नहीं की जाएगी बिकॉज आपके पास डिग्री नहीं है जो भी फाइनल ईयर अपेयरिंग में हैं सभी ब्रांचेस में बात कर रहा हूँ तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो लोग बीस इक्कीस बाईस के पास आउट हैं वो लोग ही इस फॉर्म के लिए अपलिकेबल हैं वही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे ठीक है ना और इसके अलावा जिनके पास भी जिनसे बोल रहा है कि जिनके पास हायर डिग्री है बाई चांस आपके पास बीटेक है तो हजार बीस में आपने बीटेक पास आउट हो गए थे और 2022 में आप सपोज मान लीजिए आप एमटेक पास आउट हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है ये ध्यान रखिएगा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो ठीक है ना और इसके अलावा जो भी हमारे पास में

और दूसरा ये है कि ये वन ईयर का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आपको ठीक है ना और यहाँ पर आपको जो है ना जो लोग ऑलरेडी जिनके पास अप्रेंटिसशिप कहीं से कर चुके हैं जिनके पास ऑलरेडी वन ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे ध्यान रखिएगा तो आपने अगर पहले कभी अप्रेंटिसशिप अगर कर रखी कहीं से भी तो आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा जो इतने फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको ही मिलेगा सिलेक्शन आपका जनरली इंटरव्यू बेसिस पर और या फिर हमारे पास रिटर्न इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है या फिर जनरली हमारे पास में मेरिट लिस्ट के बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट करते हैं

मूव uh, कर रहे हैं ठीक है तो आपको ऐसा इसकी तरफ मूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर चांस मैं ट्राई करके देख लेता हूं क्या होता है मेरा तो आप अप्लाई कर सकते हैं बट अगर आप गेट की तरफ फोकस दें, तो डेफिनेटली अपना फोकस गेट की तरफ रखिए इनके पास कोई जॉब नहीं है अगर जो खाली बैठे हुए हैं तो उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं उनको बता सकते हैं ठीक है डिप्लोमा अप्रेंटिस के एट थाउजेंड है और जो आई टी आई प्रसाद सेवन थाउजेंड है जो नॉन इंजीनियरिंग है उनके लिए भी नाइन थाउजेंड रुपजी ही पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा ठीक है तो ये स्टाइपेंड है मेडिकल फिटनेस आपके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो होगा वो आपको एक बनवा करके देना पड़ेगा ठीक है और दूसरा ये है कि जितने भी लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वन ईयर का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास में वन ईयर के बाद जो है ना देर विल बी नो ऑप्शन टू कंटिन्यू आपको वहाँ पर किसी भी तरह की सर्विस के लिए कंटिन्यू नहीं किया जाता है ये ध्यान रखिए तो ये वन ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका होता है ठीक है ना लास्ट डेट आपका जो है बात आती है लास्ट डेट के लिए ठीक है तो उन्होंने जो एक्चुअली मेरे जो लास्ट डेट मैंशन की है ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स टी इनक्लूज ये आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे ठीक है ना डॉक्यूमेंट वेरफिकेशन के टाइम पर टेंट का मार्कशीट बी का डिग्री डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट फिजिकली चैलेंज फोटो आई कार्ड आधार या आपके पास जो भी है ई डब्बू सर्टिकेट टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पुलिस वेरफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सेंटर पर यह अगर आप क्या करेंगे जब ज्वाइन करने जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ती है ठीक है और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं किसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ठीक है तो 16 मार्च हमारे पास लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया सबको दिख रहा होगा 16 मार्च हमारे पास में लास्ट डेट है है ना दिख रहा है लेकिन ये डेट अभी जो है ना डीआरडीओ ने चेंज कर दी है मैं आपको दिखा देता हूँ ये डेट अभी फिलहाल के लिए डीआरडीओ ने चेंज कर दी है तो ये डेट अभी जो आपकी हो चुकी है आप सबको दिख रहा होगा सोलह मार्च को कट करके चौबीस मार्च दो शाम को पाँच बजे तक लास्ट डेट कर दी गई है लास्ट डेट अपडेट हो चुकी है चौबीस मार्च शाम को पाँच बजे तक आपकी लास्ट डेट जो है ना कर दी गई है यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा ठीक है अगर बाय चांस नहीं दिख रहा है वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हैं पहले डेट सोलह मार्च रखी गई थी लेकिन अभी लास्ट डेट चौबीस मार्च हो चुकी है ठीक है तो चौबीस मार्च तक शाम को पाँच बजे तक जो है ना आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा उसने ये बताया हमारे पास में चौबीस मार्च के बाद में हमारे पास पब्लिशिंग ऑफ ऑफ फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू या के लिए अगर बाई चांस होगा तो छह अप्रैल तक वो करेंगे पब्लिश करेंगे अगर लेना होगा एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट तो टू जो या आई ट्रेनिंग जो है ना वो आपको तेरह अप्रैल तक देना होगा और इसके बाद जो है ना इंटरेक्शन विदर्टेस्टिडेट वो बीस अप्रैल तक आपको देना होगा और उसके बाद आपका प्रोबल डेट ऑफ डिक्लेन ऑफ फाइनली कैंडिडेट जितने भी लोग सेलेक्ट होते रिस्� हैं अप्रैल तक होगा और आपका जो है ना अप्रेंटिसिप जो आपकी स्टार्ट हो जाएगी वो लगभग लगभग आपका आठ मई से आपके स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो ये आपके पास 75 नंबर आप पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग के लिए निकली हैं ठीक है थिके? जितने भी कामगार इंजीनियर स्टूडेंट्स तो अगर मेरे को देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है ठीक है यहाँ पर जो बेसिकली पोस्ट आपको मिली है मैकेनिकल की सिविल की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस और आईटी की पोस्ट आपको दिख रही है ठीक है तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे अप्रेंटिस प्रोग्राम जो है ना एस के अंदर आते रहते हैं आई के अंदर आते हैं सेल के अंदर आते रहते हैं ये गवर्नमेंट बॉडीज जो है ना अप्रेंटिसिप एक्ट के तहत अपना अप्रेंटिसिप प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च करती रहती है ठीक है तो अभी आपके पास में डीआरडीओ के थ्रू ऑप्शन है तो आप इसके लिए मूव कर सकते हैं ठीक है एक अच्छा ऑप्शन आपको होता है एक्सपीरियंस आपको इन फ्यूचर काम आता है काफी अच्छा ठीक है तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जिनका भी टारगेट ये तो मैंने वो बात कर लिया है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है काफ़ी लोग को ये लग रहा होगी नाइन थाउजेंड रुपीज के लिए कौन ज्वाइन करने जाएगा डेफिनेटली आप ज्वाइन करने नहीं जाने वाले हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है आपके पास अभी कोई ऑप्शन है अगर आप दो अगर पास आउट हो रहे हैं तो आपके पास में कोई ऑप्शन है कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है नहीं तो आपके पास क्या है फिर तो एक्चुअली आप खाली यहाँ तो इसलिए हैं रीज़न ये कि आपने पहले प्री प्लानिंग नहीं की है प्री प्लानिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आप आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नाइन थाउजेंड रुपीज़ के लिए कौन जो है ना जाने वाला है तो आपके अगर ख्वाब अगर बड़े हैं तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी ठीक है ना तो प्लानिंग का सिंपल मतलब ये है अब 2023 में अगर आपके पास में खाली हाथ अगर है तो अभी भी आपके पास टाइम है वन ईयर का ड्रॉप लेकर के आप प्रॉपर तरीके से प्लस आ, प्लानिंग के साथ के बेस कंटेंट, बेस के बस बस कंटेंट एजुकेटर साथ में अपनी जर्नी अभी वन ईयर के लिए कंटिन्यू करिए और फिर नेक्स्ट ईयर देखिए कि आपको अपि ज्वाइन करने की जरूरत होगी या फिर आपके पास कोई पी का ऑप्शन होगा ये फिर आपके पास में च्वाइस होगी ठीक है ना आपके पास में चॉइस होगी और अभी आपके पास में क्या कोई च्वाइस नहीं है मजबूरी है ठीक है ना तो आपको इस मजबूरी को अपनी जो है ना किसमें बदलना है आपको इसमें चांसेस बदलना है तो ये इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी तो जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनको बता सकते हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं बिकॉज अट्ठारह तारीख से हमारे सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सोलह तारीख तक आपके आपका रिजल्ट जो है ना डिक्लेयर हो जाएगा गेट ट्वेंटी का उसके बाद जो डिसीजन लेना है एक दिन के अंदर लेकर के अपनी जर्नी तो आप दो हज़ार चौबीस के लिए दो के लिए कंटिन्यू करिए ठीक है ना अपने जूनियर्स को भी आप मोटिवेट करिए जिससे वो लोग भी प्रॉपर तरीके से गेट से जितने भी आपकी वैकेंसीज आती हैं चाहे वो आई में टेक एडमिशन के लिए हो चाहे वो आप किसी पी एच में आपका जॉब के लिए हो सारे रास्ते गेट से ही खुलते हैं ठीक है ना आप अच्छी तरीके से जानते हैं इवन अभी सी पी सी बी का जो आपका रिक्रूटमेंट आया था वहाँ भी उसने गेट का ही सिलेबस रखा था ठीक है तो आपके पास में जो बेस्ट ऑप्शन है वो गेट ही है फुल एंड फाइनल जो आपके पास चांस है वो गेट है ठीक है तो अपनी जर्नी के लिए अपने प्लान आप कर सकते हैं जितने में काम करेंगे इनके स्टूडेंट्स ना वो मेरे साथ मूव कर सकते हैं मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं ये जानकारी है जो आपको मैं देता रहता हूँ ऐसे बहुत सारी जानकारी है अगर आप मेरे पर्सनल टच में रहेंगे सोचिए कितनी जानकारी है, आपको पर्सनली मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कितनी सारी हेल्प आपकी मैं कर सकता हूँ ठीक है तो आप मेरे साथ मूव करने के लिए मेरा कोड लगा सकते हैं एसके पी बाकी जो भी अदर ब्रांचे के स्टूडेंट है ना तो वो अपने कंसर्ड एजुकेटर के साथ में मूव कर सकते हैं एनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट एंड जो क्वालिटी आपको मिलती है पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है ठीक है ना तो मूव करिए एन्जॉय करिए स्टडीज को ठीक है ना कंटेंट को एन्जॉय करिए ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज के लिए मेरे साथ में कनेक्ट रहिए मेरा नाम है सुबी प्रजापति एंड फैकल्टी ऑफ काम का इंजीनियरिंग इन अकेडमी प्लेटफॉर्म ठीक है ना सो ऑल द बेस्ट एवरी वन थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई जानकारी के साथ में ठीक है बहुत सारी वैकेंसीज अभी आपके इन फ्यूचर आती रहेंगी कट ऑफ और डिटेल्स जो है ना मेरी तरफ से आपको ऐसे शेयर किया जाता रहेगा तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू एंड जय हिंद